हेलो व्यूअर्स, आज मैं एक नया चैनल खोलने वाला हूँ जिसका नाम है डीडीके किचन्स। आप लोगों ने मेरे पहले के चैनल में जो अभी रनिंग है डीडीके बायो वर्ल्ड, मैं उसमें हेल्दी रेसिपी रखता था, उसमें आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, लाइक किया, जिसके वजह से मैं एक नया चैनल बनाने वाला हूँ जिसका नाम है डीडीके किचन्स। इसमें मैं बताऊँगा आप लोगों को बहुत ही ईजी रेसिपी जो टेस्टी भी रहेगा। आज आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ पीच, इससे मैं आज एक इजी और टेस्टी रेसिपी बनाने वाला हूँ। तो चलिए मैं चलता हूँ अपने किचन की ओर। आज का रेसिपी बनाने के लिए हमें इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है। पीच, इसे यहाँ आड़ू भी बोलते हैं। इसके बहुत ही फायदे हैं, इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है, इसीलिए आज मैं इसे चुना हूं अपना रेसिपी बनाने के लिए। लेमन, नींबू, जैगरी, गुड़। तो अब चलिए हम जानते हैं कि इसे कैसे हम लोग बहुत ही इजीली बना सकते हैं। पहले हमें इसके सीड्स, इसके अंदर सीड रहता है, उसे निकाल लेना है। देखिए किस तरह मैं निकाल रहा हूं, इस तरह से आप लोग इसे अलग कर लें और इसके सीड को निकाल लें। यहां पे मैंने 4 to 5 पीच लिया है, अब मैं इसके सीड्स निकाल लेता हूं। यहां देखिए मैं पीच को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया हूं। अब इसे आप लोग अपने हिसाब से, जितना आप लोगों के, जितने लोगों के लिए बनाना है, तो मैं यहां 2 लोगों के लिए बना रहा हूं, तो 2 टेबल स्पून पीच, 2 टेबल स्पून ऑफ पीच। यहां पे मैंने 2 टेबल स्पून ऑफ पीच लिया है आड़ू। अब इसमें 2 टेबल स्पून ऑफ जैगरी, 2 चम्मच गुड़, और यहां पे मैं 1 कप ऑफ वाटर ले लेता हूं, यहां पे 1 कप पानी। अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। यहां देखिए हमारा जो पीच और जैगरी मैंने लिया था वो बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है और इसका स्मेल बहुत ही अच्छा आ रहा है। जैगरी और पीच का जो मिक्सर है उसका स्मेल बहुत ही अच्छा आ रहा है। अब इसमें मैं 1/2 नींबू का रस डाल लेता हूं। मैंने यहां इसमें 1/2 नींबू का रस को भी मिक्स कर दिया है। चलिए अब ये रेडी टू सर्व है, मैं इसे सर्व कर लेता हूं। ये बहुत ही हेल्दी जूस है, ये आपके आंखों के लिए, आंखों के रोशनी के लिए बहुत ही अच्छा है। आपके हार्ट का जो भी डिजीज है उसको भी ये डिजीज फ्री करेगा, आपके डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है, और अगर आप लोग अपना वेट लूज करना चाहते हैं तो उसके लिए ये बहुत ही फायदेमंद है। अब इसके टेस्ट को थोड़ा और इंक्रीज करने के लिए मैं यहाँ पे 1 पिंच ऑफ, थोड़ा सा अपने टेस्ट के अनुसार आप लोग डाल सकते हैं, चंकी चाट मसाला। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चंकी चाट से इसे गार्निश किया है। अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर ले। और अभी समर है इसीलिए मैं इसमें थोड़ा सा आइस क्यूब मिक्स करता हूं। तो हमारा जो पीच मसाला पंच है वो तैयार है। तो फ्रेंड्स चलिए मैं अब इसे टेस्ट करता हूं और अपनी नीज को भी टेस्ट करने के लिए देता हूं और चलिए जानते हैं कि इसका टेस्ट कैसा आया है। अब गिन्नी इसे टेस्ट करके बताएगी कि कैसा बना है।
ये टेस्टी और फैंटास्टिक है, बहुत अच्छा है। मेरे मामू के वीडियो को लाइक करना ना भूले और शेयर करना ना भूले और सब्सक्राइब करना ना भूले और नीचे दिए बेल आइकन को भी बजाना ना भूले। बाय गाइस। ऐसा ना लगे कि बस सो थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब और मेरे नए चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए। एंड आई वॉन्ट टू थैंक माई फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक यू ऑल ऑफ यू।